तो क्या कह रहा है कि हाइट्स ऑफ मर्करी सर्फेसेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर, है ना, ये पूरा अपैरेटस जो है इसको हम लोग मैनोमीटर बोलते हैं। तो मैनोमीटर में जो दो आर्म्स हैं, जो यूट्यूब है ना, इसमें जो दो आर्म्स है उसमें दोनों में मर्करी का हाइट दिया हुआ है। हाइट कहाँ से दिया हुआ है? यहाँ से दिया हुआ है, बॉटम से, ठीक है। तो ये हाइट लेट से H1 है और ये हाइट लेट से H2 है, ठीक है, कोई परेशानी। H1 H2 दिया हुआ है, एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ये जो एंड है ये यहाँ पे, ये यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, PATM निकलते हैं क्योंकि वो एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर है, ठीक है। तो हमको दो चीजें निकालनी है, प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर एंड द प्रेशर ऑफ मर्करी एट द बॉटम ऑफ द यूट्यूब, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर निकालना बहुत आसान है। कि यहाँ का प्रेशर जो है, अब तुमको मैंने सिखाया था कि क्या होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर लिक्विड हमारा रेस्ट पे हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, लेट अस से ये एक पॉइंट लेता हूं यहां पे और ये एक पॉइंट लेता हूं, ये दोनों पॉइंट्स क्या सेम लिक्विड में है? कौन सा लिक्विड है? वो मरकरी, है ना। दोनों पॉइंट्स जो है वो मरकरी में है ना, और इन दोनों पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लिक्विड इज एट रेस्ट, यस। जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे बोलो? प्रेशर इक्वेट कर देंगे। तो यहां अब ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है वो एक्सपोज टू द गैस है, ए का प्रेशर जो होगा वो जो गैस का प्रेशर है वही है। तो पॉइंट ए का जो प्रेशर है दैट इज पी गैस इज इक्वल टू पॉइंट बी का प्रेशर। पॉइंट बी का प्रेशर कितना है बोलो? ये हाइट कितनी है? H2 - H1। तो PATM प्लस रोजी H2 - H1, यस। वैल्यूज डाल दो, हो गया काम खत्म। गैस का प्रेशर मिल गया 1.01 × 10⁵, डेंसिटी 13,600 kg/m³, मरकरी है। जी की वैल्यू डालो 9.8, H2 - H1 है 6 cm, तो 6 × 10⁻²। बाकी जो है वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर आ गया है, बस जी का वैल्यू ट्रेंड आ रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, कर लेना। फिर पार्ट बी निकालना भी आसान है, प्रेशर ऑफ मर्करी एट द बॉटम ऑफ द यूट्यूब। तो प्रेशर ऑफ मर्करी निकालना इस पॉइंट पे, तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब ठीक है। वो डायग्राम थोड़ा सा ढंग से नहीं बन रहा बट समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। बॉटम, जो बॉटम वाला पॉइंट होगा उसका डेप्थ कितना होगा टॉप से? पूरा 8 सेंटीमीटर होगा क्या, मानते हो? सो प्रेशर ऑफ मर्करी एट द बॉटम ऑफ द यूट्यूब विल बी PATM प्लस रो जी H2। H2 की वैल्यू कितनी है बोलो ना रे? 8 सेंटीमीटर। समझ गए सब कुछ, है ना? मतलब ये जो बॉटम वाला जो पॉइंट है, जो बॉटम वाला पॉइंट होगा उसकी हाइट जो होगी वर्टिकल से, सॉरी मतलब वर्टिकल हाइट जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, है ना। मतलब बेसिकली मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। सो द डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप इज 8 सेंटीमीटर। सो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी पी नॉट विच इज PATM प्लस रो जी H2। समझ में आया? वो कितना लल्लू सवाल है।